नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के सियासी जेन्ने में वहां हो रहे जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। जिला पंचायत चुनाव में ज्यादा सदस्य निर्वाचित होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी को अध्यक्ष पद के चुनाव से करारा झटका लगा है। 70 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के इकलौते नामांकन जमा होने से उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, यानी कि अब 57 सीटों पर ही चुनाव होंगे। इस स्थिति के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव तमतमाए हुए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि 12 जिलों में सपा प्रत्याशियों को नामांकन ही नहीं भरने दिया, पुलिस ने भाजपाइयों के साथ सपा नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। अखिलेश ने ट्वीट के जरिए कहा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन से रोका गया है, ये हारी हुई भाजपा का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। भाजपा जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा चुनाव में उन्हें उतने ही कम सीटें देगी। इधर भाजपा ने 25 जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों पर निर्विरोध निर्वाचन का दावा किया है। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही, क्या वे सही हैं या फिर पंचायत प्रतिनिधि अपने जिलों के विकास के लिए सत्ताधारी भाजपा के साथ जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या इसका सीधा लाभ आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा? तो क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सरकार बनाने का दावा हवा में ही उड़ जाएगा? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ 3-4 विशेष मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे डायरेक्टर दीप कुमार जैन साहब हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा जी हैं, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र तिवारी जी हैं और समाजवादी पार्टी के अविनेंद्र यादव जी हैं आगरा से। चारों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, आपके पास जा रहा हूं मैं। मेरा मैडम ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर निर्विरोध जीतेगी। कहा जा रहा है कि इनमें से कई जिलों में आपकी संख्या बहुत कम थी, जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम थी, तो मैम ये ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस समय प्रदेश में, यह विपक्ष को नहीं भूलना चाहिए। यह सरकार नियम कानून के हिसाब से काम करती है, जनता के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करती है जी। और सर्व समाज को लेकर चलती है जी। हमारी जो विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है, ये एक जातिवाद विशेष को महत्व देती है जी। इन्होंने कुछ तो नाम मैं अभी ले सकती हूँ, इन्होंने कुछ जिलों में अपने जो जिला पंचायत अध्यक्ष अभी मेरे सामने है, तो इन्होंने उसमें बोला कि सारे यादव प्रत्याशी दे दिए इन्होंने, क्योंकि ये चुनाव जिला पंचायत का चुनाव है, ये समाजवादी पार्टी के यादव समाज का चुनाव नहीं है। इन्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए जी। और इन्होंने इसको एक वर्ग विशेष को, जाति विशेष को सौंप दिया जी। पहली बात है ये। और दूसरी बात यह कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से और सारे नियम कानूनों को ध्यान में रखकर हुआ। इनकी सरकार में तो चुनाव गुंडागर्दी में होता था, जिसका इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया वही जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता था, जिसको इन्होंने कह दिया वही निर्विरोध चुन लिया जाता था। इस बार तो इन्हें प्रस्तावक भी नहीं मिले। इनके सारे दावे झूठे थे कि हमारे इतने सदस्य, इन्होंने सोचा था कि हम फिर से अपनी गुंडागर्दी चला पाएंगे, फिर से उसी तरह से लोगों को डराएंगे धमकाएंगे और अपना उल्लू सीधा करेंगे। लेकिन इस बार ये नहीं हो पाया, क्योंकि ये योगी जी की सरकार है। यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी किसी को जबरदस्ती डराकर धमकाकर और उसे अपने साथे में ढाल ले। अविनेंद्र यादव साहब, आपने डॉक्टर ज्योति वर्मा को सुना। सर, मैं उनका जवाब चाहूंगा आपसे, बट एक मैं ये भी कह रहा हूँ सर कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मतदान के पहले 17 सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि आप कहते आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा सदस्य आपके निर्वाचित हुए हैं, कहाँ कोई चूक हो गई मैम? सर, मैं डॉक्टर ज्योति वर्मा जी का बहुत अदब और सम्मान करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ जी कि समाजवादी पार्टी को गुंडा पार्टी या गुंडा इस तरह के असंसदीय शब्दों का प्रयोग ना करें। मेरी बहन की दाखिल है, अगर जो मैंने कहीं गुंडा की जगह गुंडी कह दिया तो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि संसदीय भाषा का प्रयोग करें और मान मर्यादा के साथ, जैसे मैं बहन जी कह रहा हूँ, इस तरीके से आचरण करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी उनकी अपनी संस्कृति है, फिर भी जैसा चाहे वैसे कर सकती है। दूसरी बात, जैसा कि बहन ज्योति वर्मा जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के दावे खोखले थे,
थोते थे, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के दावे नहीं थे ये। जब जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ था तो पूरे उत्तर प्रदेश की मीडिया का कोई ऐसा चैनल, कोई ऐसा पत्रकार नहीं था जिसने हमारी वास्तविकता को ना लिखा हो ना दिखाया हो। जी, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है डायरेक्ट जनता से जी, और जनता ही विधानसभा के चुनाव में वोट करती है जी। जी, जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होता है मसल पावर का जी, जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होता है सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, उसमें सहायक सिद्ध हो सकती है जी, जी। लेकिन जनता के चुनाव में हम जीते हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो दावा किया जा रहा है 17 का, मैं आपको एक बागपत का उदाहरण देता हूँ। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी एससी महिला के लिए आरक्षित है, एक ऐसी महिला समाजवादी पार्टी से जीती थी और एक ऐसी महिला लोकदल से जीती थी, लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है जी। हम ज्यादा सीटें जीते थे, लोकदल ने कहा आप अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया, हमने रात में प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया उस बहन को, ऐसी बहन जो हमारी जीती थी जी। रात में भारतीय जनता पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके गई और उसके घर पे छापा डाल के उसको ले गई और सुबह भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी उनको बना दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, हमने लोकदल की जो महिला एससी जीती थी हमने उनको प्रत्याशी बनाया, हमारे पास 13 सदस्य थे और 9 सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के पास। अब देखिए खेल कैसे हुआ निर्विरोध का, जो हमारे प्रस्तावक थे उन प्रस्तावक और उस समर्थकों में दो लोग होते हैं, एक प्रस्तावक और एक समर्थक। बिल्कुल बिल्कुल, प्रस्तावक को रास्ते में से एक जगह नहीं बल्कि कई जगह ये छीना झपटी का खेल गोरखपुर से लेके भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, मसल पावर का दुरुपयोग करके हमारे लोगों के पर्चे भरे भराए निरस्त कराने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका आशय ये है कि ये 17 जगह जीते हैं निर्विरोध, ये बात सही है, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जीते किस फुअरपन से है, आपके चैनल ने नहीं, मीडिया ने नहीं, बल्कि सोशल मीडिया ने भी एक जगह का नहीं बल्कि कई जगह की दास्तान दिखाई है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के समर्थकों को पीटा जा रहा है, जबरदस्ती पुलिस खींच ले जा रही है, सदस्यों के साथ छीना झपटी कर रही है। तो ये लोकतंत्र है, ये लूट तंत्र बना दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मेरा आरोप है कि जिस फुअरपन, जिस गुंडागर्दी का हम पे लेबल लगाती है हमारी बहन ज्योति वर्मा जी, वो अपने गिरेबान में झांक के देखें। ये सोशल मीडिया पे जितनी वीडियो क्लिपिंग चल रही है, ये टीवी पर चल रही है, ये सारे के सारे झूठे हैं। तो जो 17 आपके निर्विरोध हुए हैं वो केवल आपकी सरकार की मशीनरी के दुरुपयोग और मसल पावर की वजह से हुए हैं। इसको लोकतंत्र की जीत नहीं कहा जाएगा बल्कि लोकतंत्र की लूट की संज्ञा दी जाएगी। चलिए अभिनंदन यादव जी, आपके जो आपने सवाल उठाए जवाब लूंगा, लेकिन पहले मैं डायरेक्टर सर के पास जाऊंगा। सर, आपने अभिनंदन यादव जी को सुना और ज्योति वर्मा जी को सुना, दोनों ने अपने अपने तरह से दावे किए और उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इसी तरह से हाथ उठा के चुनाव करा लिए जाएंगे। अभिनंदन जी का ये कहना है ये लूट तंत्र है, लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र। सर आप क्या कहेंगे इस मामले में? सर ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी जब चुनाव हुए थे तो बहुत उनमें हौसला बुलंद हुआ था, परंतु वो अपना शायद घर नहीं संभाल पाए हैं और इसी कारण उनको 11 अपने जिलाध्यक्षों को निष्कासित भी करना शायद पड़ा है। जी जी जी, तो निश्चित रविंद्र तिवारी जी आपके पास आऊंगा। रविंद्र जी, आप लखनऊ में रहकर पूरे सूबे के जिला पंचायतों पर नजर जमाए हुए हैं, क्या चल रहा है सर वहाँ पे? देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो चुनाव है ये बड़ा दिलचस्प मोड़ पे गुजर रहा है, मोड़ से गुजर रहा है जी। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी ने, इन्होंने पूरी कमान अपने हाथों में ले ली है जी। अब इनको बहुत ज्यादा इनकी जो डिपेंडेंसी है किसी पे ना रह के, इन्होंने आज ही लखनऊ में अपने पार्टी कार्यालय में लगभग जितने इनके जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार हैं सबको बुलाया हुआ है। आज अभी बैठक का दौर चल रहा है, जितने इनके सदस्य हैं वो भी बैठक में मौजूद हैं। तो कुल मिला के जो अखिलेश जी हैं ये एकदम जो अटैकिंग मोड पे हैं, जिससे मतलब जो अभी अरविंद जी ने भी बताया कि गोरखपुर में पर्चा नहीं भरने दिया गया। हाँ, गोरखपुर में पर्चा नहीं भरने दिया गया, इसी तरह की घटना लखीमपुर खीरी में भी हुई, हालांकि वहाँ पर्चा दाखिल हो गया जी। पर बड़ा वहाँ भी यही सब होता रहा। तो खैर, जो चुनाव है बीजेपी और
अखिलेश यादव इन्हीं दोनों के बीच में चुनाव रह गया है। हालांकि लड़ाई में तो कई और भी दल थे, जैसे अपना दल थे, राष्ट्रीय लोक दल थे, बसपा का कहीं खैर कोई नामो निशान नहीं है। तो लेकिन लड़ाई अब जो सीधी सीधी है वो सपा और भाजपा की है, जैसा कि अभी बताया ज्योति वर्मा जी ने कि 17 जिलों में उनके जो कैंडिडेट है वो निर्विरोध हो गए हैं। बात सही है, उनके निर्विरोध हो गए हैं। एक जिला ऐसा भी है जो इटावा है, जिसमें समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनके खिलाफ भी किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। लेकिन जो बाकी बच रहे जिले उसमें कहीं ना कहीं सपा भारी रहेगी या सपा भारी दिख रही है। चलिए डॉक्टर ज्योति वर्मा, आपने अवनिंद यादव साहब की बात को सुना, उनका ये कहना है कि ये लूट तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। जिस तरह से प्रशासनिक हस्तक्षेप हो रहा है, जिस तरह के उनके कैंडिडेटों को नामांकन नहीं भरने दिया, जिस तरह से उनको रातों रात पार्टी के प्रत्याशियों को बदल के अपने खेमे में तो शामिल किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? मैं समय का थोड़ा कम रहता है, अभाव रहता है जी। तो मैं दो तीन उदाहरण देना चाहूंगी छोटे छोटे, उनसे मेरी बात सिद्ध हो जाएगी जी। माननीय ने ये कहा कि उन्हें पर्चा नहीं भरने दिया गया जी, ठीक है। एक उदाहरण मैं लेती हूँ नोएडा से जी। सबसे छोटी जिला पंचायत सीट है, वहाँ पर 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जिसमें 3 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2 अन्य हैं, ठीक है जी। वहाँ से कोई 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 भी ऐसा प्रत्याशी नहीं आया जिसने पर्चा भरा हो, इसलिए हम निर्विरोध चुने गए, ठीक है। बात आती है आगरा की, सिर्फ एक प्रत्याशी मंजू भदौरिया ने अकेले पर्चा दाखिल किया। बसपा बहुत दावे कर रही थी और सब दावे कर रहे थे कि हम भरेंगे, कोई भी प्रत्याशी 3 बजे के समय तक वहाँ नहीं आया। पहली बार आगरा के इतिहास में आएगा, उनका यही तो कहना है कि आपने रोक लिया मैडम, वो यही तो कह रहे हैं कि आपने आने नहीं दिया। यही तो मैं बता रही हूँ ना जी, कि 2016 में जब इनकी सरकार थी तो 36 जिलों में सपा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे, जिसमें 33 जो नामांकन के दिन और 3 नाम वापसी के दिन। और ये जो निराधार आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं, इससे 10 गुना ज्यादा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगे थे जी। तो ये जो इन्होंने सदैव किया है वही ये सबके लिए समझते हैं, मतलब उन्होंने किया तो आप कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं उनने जैसा किया वैसा आप कर रहे हो? नहीं, ये जैसा कर रहे हैं ये दूसरे को बेहतर भी समझते हैं, जैसा ये करते हैं वैसा अच्छा। ही समझते हैं, जबकि दूसरा ऐसा नहीं कर रहा है जी जी। दूसरा नियम कानून से कार्य कर रहा है, अगर ऐसा नहीं होता तो बलरामपुर में सबसे कम आयु की बिटिया जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बनी होती। अगर इनका शासनकाल होता तो उसको पर्चा नहीं भरने दिया जाता। अगर ऐसा होता तो इटावा में अंजुम यादव जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन नहीं कर रहे होते, जिला शांति से क्यों चुनाव हो गया जी। ज्योति वर्मा जी, ज्योति आरोप इनका निराधार है। चलिए अवनिंद यादव जी, क्या जवाब देंगे आप? ज्योति वर्मा जी का जो कहना है जी, इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि इन्होंने स्वीकार अभी किया कि हमारे 36 निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे और समाजवादी पार्टी के टाइम में 36 हुए, हम सत्तारूढ़ दल थे, आपके सत्तारूढ़ होते हुए 17 हुए, तो विनिंग कौन हुआ, विनर कौन हुआ जी जी, विनर कौन हुआ फिर जी। तो कुल मिला के ये है, ज्योति जी बहुत अच्छी वक्ता है, हमारी बहन है, भारतीय जनता पार्टी का सभी के से अपना पक्ष रखती है। ज्योति जी, ज्योति जी पूरी बात सुन लीजिए, ज्योति जी बात फिर आप बात करिए जवाब दे जी। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको, बिल्कुल बिल्कुल। आपका इटावा में जी आपने उदाहरण दिया, भारतीय जनता पार्टी की हैसियत ये नहीं बची कि एक जिला पंचायत सदस्य को पैदा कर पाई होती, जिता पाई होती। आखिर क्यों, क्या वहाँ आपका शासन नहीं था? वहाँ हमने लूट तंत्र बजा दिया, आपका एक सदस्य नहीं जीता। आपको ज्योति जी पता होना चाहिए। तो ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ है। आपने एग्जाम्पल दिया, मैं देना नहीं चाहता था कि हमारे 36 जीते थे तो हम विनर है ना, इसका मतलब यही तो जनता ने आदेश दिया है, यही जनता ने संदेश दिया है। समाजवादी पार्टी विनर है, समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य आपसे लगभग दुगनी तादाद में जीत के आए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरी की पूरी तरह कानून व्यवस्था से लेके अफसरशाही ने सरकारी एजेंट की तरह काम किया, हमारा आरोप है। और एक जगह नहीं, कई जगह मीडिया के भाइयों ने दिखाया है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रस्तावकों को और अध्यक्षों को किस तरह
से पीट पीट कर भगाने का काम किया है। ये ज्योति जी यहाँ बैठ के गोरखपुर का दावा कर रहा हूँ, बताओ अगर जो गोरखपुर का गलत है उदाहरण तो बताओ ये मीडिया वाले गलत बोलते हैं, बताओ बहन जी आप। ज्योति जी जवाब चाहूंगा मैं भी, अवनिंद यादव साहब की बात को बढ़ाऊंगा। मैम आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग आपके साथ आ रहे हैं, तो इटावा में जैसे उन्होंने कहा, मैं भी वही सवाल दोहरा रहा हूं कि इटावा में जहां आप रह रहे हैं वहां कोई आपकी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी शामिल क्यों नहीं हुआ मैम? भारतीय जनता पार्टी में इटावा तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ है, जो सदैव कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है इटावा। आज तो समाजवादी एक मेंबर आज विधायक हमारे हैं दो, आज लोकसभा सांसद है हमारा, कैसी बात कर रहे हैं आप अनु जी? आज भारतीय जनता पार्टी इटावा में पूरी तरह से है। मेरा सवाल ये है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष पद के लिए आपके इटावा से कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ? जहाँ जहाँ से हमें नामांकन कराना था हमने वहाँ से नामांकन कराए अपने प्रत्याशियों को। उत्तर प्रदेश में है बहन जी, इटावा उत्तर प्रदेश नहीं, तो आप इटावा सिर्फ इटावा के ही पीछे क्यों खड़े हो? नहीं मैं आगरा में आ रहा हूँ, आगरा में भी आऊंगा, आगरा भी जाऊंगा और लखनऊ भी जाऊंगा, मैं पूरी बात कर रहा हूँ ना। 2017 में आप अपनी सरकार नहीं बचा पाए, 19 में अपनी पत्नी और भाइयों की सीट नहीं बचा पाए। डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर ज्योति वर्मा मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, ज्योति वर्मा जी मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कहिए बात तो कह लेने दीजिए जी। अखिलेश यादव जी 2017 में अपनी सरकार नहीं बचा पाए जी, 2019 में अपनी पत्नी और भाइयों की सीट नहीं बचा पाए जी, तब उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं दिया जी। आप जिला पंचायत के चुनाव में उनके जिला अध्यक्ष ठीक से काम नहीं कर पाए, उनका संगठन ठीक से जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाया, तो हमने 11 जिला अध्यक्षों को हटा दिया जी। ये कैसा तरीका है काम करने का? मैंने जो पूछा उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। अवनिंद यादव साहब बिल्कुल, ज्योति वर्मा जी की आप बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने अपना नौकरशाही को हावी करके आपके 11-12 जिलों में नामांकन नहीं भरने दिया, तो फिर साहब जब प्रशासन ने ही नहीं भरने दिया तो 11 अध्यक्षों की बलि क्यों ले लिया? उन विचारों क्या कुछ हो सर? नहीं, बिल्कुल सही आपने प्रश्न उठाया है जी। समाजवादी पार्टी समय समय पे अपने संगठनात्मक ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करती है, और जहाँ हमें लगता है, जहाँ हमारे नेतृत्व को लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जिले के संगठन में बदलने की, रद्दो बदल करने की आवश्यकता है, उसी तारतम्य में ये रद्दो बदल किया गया। सर लेकिन समय अभी अध्यक्ष का, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। राज्य निर्वाचन आयोग का मैं कोटि कोटि आभारी हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने पहली बार आजादी के बाद जितने चुनाव हुए हैं पहली बार ऐसा पत्र जारी किया एक दिन पहले कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सत्ते में आ गई। उसमें लिखा गया कि कोई भी जिला पंचायत सदस्य पे झूठा मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा, कोई भी जिला पंचायत सदस्य जिसपे मुकदमा कायम है जब तक चुनाव में वोट नहीं पड़ जाएगा तब तक कोई भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी इतना नंगा राज कर देती कि मैं कह रहा हूँ सत्तर, ये 70 पे निर्विरोध कर लेते, मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो इनकी प्लानिंग थी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो कुर्सी मुख्यमंत्री की है, बाबा जी की कुर्सी इसलिए बचाई गई थी कि उन्होंने वादा किया था कि मैं 50-60 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिता दूंगा, तो इसलिए पूरा का पूरा प्रशासनिक हमला लग गया था। लेकिन बार बार निर्वाचन आयोग, हम समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की तरफ से आपके आभारी हैं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आभारी हैं जिनकी पहल पे ये निर्वाचन आयोग ने इतना सख्त पूरे जिले के कप्तानों को, जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर तायद किया कि अगर जो कहीं गड़बड़ी कर दी आपने, यदि किसी को वोट नहीं डालने दिया तो वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी उस प्रशासनिक अमले का इन्होंने दुरुपयोग करके 17 जिलों में नंगा नाच किया, मेरा आरोप है। या गोरखपुर की घटना को सर जी कहे कि नहीं, ये झूठी खबर दिखाई। चलिए यादव जी जवाब लेंगे यादव जी। डॉक्टर सर आपने देखा, दोनों आप में मेहमानों की बात सुनी, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन सर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं ये क्या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित है सर? इस तरह के अगर चुनाव हो रहे हैं तो इससे क्या भविष्य होगा? जो जीतते हैं वो जब अपने दल के नहीं हैं और अपने तात्कालिक लाभ के लिए दूसरे दल में चले जाते हैं तो वो जनता की सेवा क्या कर पाएंगे सर? ऐसा लग रहा है दोनों की मेहमानों की बातें सुन के जी कि
लोकतंत्र की जैसे कोई हत्या करने में तुला हुआ है और ऐसा सिद्ध हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला मुहावरा चरितार्थ होना यथार्थ में परिवर्तित होने जा रहा है। मतलब यानी जो सत्ता में रहता है वो अपने हिसाब से चला रहा है, पहले समाजवादी पार्टी थी, अब भारतीय जनता पार्टी। रविंद्र तिवारी जी आपके पास जाऊंगा। सर, जिन 41 सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की भी सीधे टक्कर है अध्यक्ष पद को लेकर, वहां पर दोनों दलों ने अपनी क्या रणनीति बनाई है, किन्हें जिम्मेदारी सौंपी है? सर देखिए, मैं आपको कहूंगा कि अब की बार किसी भी पार्टी ने कोई सीधे सीधे किसी को जिम्मेदारी ना देके सीधे लखनऊ से ऑपरेट कर रहे हैं जी। लखनऊ से ही पूरा जो जिला पंचायत चुनाव है इसकी जो मॉनिटरिंग हो रही है लखनऊ से हो रही है। मैं आपको पूर्वांचल की ही एक बात बताऊं, बहराइच जनपद में कांग्रेस की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थी मन्नू देवी जी, उन्होंने आज इस्तीफा देके सपा का दामन थाम दिया है। तो ये जो दामन थामना और क्या नाम है पार्टी छोड़ना और बदलना, ये जो चुनावी जो मोड होता है उसमें ये होता रहता है जी। लेकिन जो ऑपरेशन हो रहा है वो सीधे सीधे लखनऊ से हो रहा है जी। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आपकी समाजवादी पार्टी हो जी जी। क्योंकि और जो जिले हैं वहां जिम्मेदारियां इसलिए नहीं दी गई क्योंकि आपने देखा सपा में ही अंतर्कलह थी, 11 जिलों के जो जिलाध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया एकदम। जब चुनाव है, चुनाव के दौरान एकदम से हटा देना तो कहीं ना कहीं अंदर की कमजोरी या कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट अखिलेश यादव को दिखाई दिया होगा, तभी उन्होंने इतना बड़ा एक्शन लिया, वरना कोई भी पार्टी इस समय इस तरह के फैसले नहीं लेती है जी जी। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा तो एक संगठन है, इन्होंने अपनी जो बाबा जी है, बाबा जी की एक कार्यशैली है, बाबा जी अपने हिसाब से ही पूरे जनपद को या पूरे ये प्रदेश को जो प्रदेश के जो चुनाव है उनको ऑपरेट कर रहे हैं लखनऊ से। तो सीधे तौर पे तो किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि आपको आगे आना है या आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना है, जो भी है वो अपने छोटे से लेकर बड़े। अवनेन्द्र यादव साहब, बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, अवनेन्द्र यादव साहब आपसे एक सवाल कर लूं, फिर दोनों सवालों का जवाब डॉक्टर ज्योति वर्मा से लूंगा। सर, आपने आपके इटावा में भी, वो सॉरी आगरा में भी, आप आगरा सहित कई और जिलों में आपके जो सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं भाजपा से ज्यादा हैं, निर्वाचित जीते हुए थे, लेकिन आगरा सहित कई जिलों में आप नामांकन नहीं भर पाए सर, इसका मतलब कहीं ना कहीं, और आप इटावा में, आप आगरा में रह रहे हैं सर, इसलिए मैं ये सवाल आपसे प्रासंगिक है आपसे पूछता हूँ। सर, कहीं ना कहीं आप ये मान स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी तैयारियों में कहीं चूक हो गई थी? सर, मैं बिल्कुल ये स्वीकार करता हूं कि आगरा में संगठनात्मक ढांचा में कहीं ना कहीं कमजोरी थी जी। और वो संगठन ढांचा जो था वो आपके अध्यक्ष को भी हटा दिया है, आपके वहां के अध्यक्ष को भी हटा दिया गया। मैं स्वीकार कर रहा हूं ना, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि आगरा का जो संगठन था जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा किया था वो कहीं ना कहीं इमेच्योर साबित हुआ और उन्होंने आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया पार्टी के नेताओं के साथ स्थानीय लेवल पे, और उसका नतीजा ये हुआ कि केवल और केवल 3 सदस्य हमारे जिला पंचायत सदस्य 51 में से जीते। और इसीलिए जब इस बात की चर्चा हुई तो संगठन में जिम्मेदार लोगों को पदमुक्त करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो ये हमारा पार्टी का अंदरूनी मामला था। आगरा जैसे हालात सारी जगह नहीं है, लेकिन मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ कि आगरा में हम बहुत कमजोर थे संगठनात्मक दृष्टि से। हम 3 सदस्य जीते, 2 हमारे निर्दलीय जीते, केवल 5 कुल मिला के सदस्य थे 51 में, और 5 में से हमारे जिलाध्यक्ष ने ही कई सदस्यों को बेचने का काम कर दिया दूसरे दलों में। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी थी आगरा में, और उस कमजोरी की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्शन लेते हुए पार्टी के जिलाध्यक्ष को हटाने का काम किया। सर, अगर ये कमजोरी रही तो आप इस कमजोर कड़ी के भरोसे मिशन 2022 का सपना देख रहे हैं सर? नहीं नहीं, एक एक जनपद के संगठन में कमजोरी की वजह से अथवा 11 जिलाध्यक्षों को हटाने की वजह से समाजवादी पार्टी पे कोई प्रतिकूल असर पड़ने वाला नहीं है। अभी इसी दौरान विद इन ए वीक मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास बहुत सारे नाम पहुंच गए हैं और कहीं ना कहीं समयानुकूल अच्छे अच्छे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जो जहां कमजोरी है उसको रिहेबिलिटेट करते हुए कहीं ना कहीं उस कमजोरी को हम दूर करने में कामयाब होंगे, और सन 2022 के मिशन में निश्चित तौर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वादा किया है, वचन दिया है प्रदेश की जनता के ताकत के बल पे, प्रदेश की जनता के बहुमत के बल पे कि 350+1 हम लोग जीतने का काम करेंगे 101% ये बात सत्य है। डॉक्टर ज्योति वर्मा, क्या कहेंगे आप?
चैतान्य से भी कम सीटें आने वाली है समाजवादी पार्टी की। अरे अपने चैतन भी अपनी सीट को बचा नहीं पा रहे हैं, बाकी 350 कहाँ से लेकर आएंगे। मैं बीच में नहीं बोली थी। अच्छा हाँ, आप बात करिए सर, बात करने दीजिए जी। हमने जो दावा किया था कि 900 सीटों पर हमारी जीत हुई है, 400 निर्दलीय हमारे पास हैं, हम अपनी उस बात पर कायम है। और आज हम जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा रहे हैं और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं और विजयी भी हो रही है जी। लेकिन आपने जो भी दावे किए वो आपके दावे खोखले थे। रही बात बाबा जी की, बाबा जी को ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर कार्य करती है, एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करता है और उसके बाद अपने संगठन को मजबूत करता है। आप सारे दावे खोखले करते हैं, सदैव से आपकी पार्टी हवा में काम करती आई है, लेकिन इस बार योगी जी की सरकार है तो हवा काम नहीं कर पाई आपकी, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाजपा का संगठन बहुत मजबूत संगठन है और अगर आपको जिलाध्यक्ष हटाने ही थे तो आपने जिला पंचायत चुनाव के दिन ही क्यों हटाए जिस दिन अध्यक्ष चुनाव का, ये तो आपको पहले से पता था कि एक दिन में आपका संगठन कमजोर हो गया था। आपको पहले नहीं पता था कि आपका संगठन कमजोर है, सिर्फ उसी दिन कमजोर हुआ जिस दिन आपको नामांकन करना था। चुनाव 3 तारीख को जिला पंचायत अध्यक्षों, आप अपना सोच समझ लीजिएगा, अभी चुनाव नहीं हुए हैं। भाई साहब, मैं बहुत सोच समझ रही हूँ। और रही बात लोगों को रोकने की, तो 5 लोगों की गाइडलाइन है कोरोना के समय में, ऐसे में कोई दबाव किसी पर नहीं बनाया गया है। जहाँ पर जितनी सुविधाजनक तरीके से चुनाव कराया जा सकता है उतनी सुविधाजनक तरीके से चुनाव हो रहा है। कोविड के चलते बहुत सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जा रही है। जब आपके यहाँ से कोई आपके रातों रात आपके प्रस्तावक आपको मना कर दे रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, आप हमको जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, अब उस तरह आपकी बातों में नहीं आ रहे हैं। चलिए रवीन जी, ठीक है वर्मा, ठीक है ज्योति वर्मा जी, डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, ठीक है। रवीन तिवारी जी, आपसे एक सवाल है मेरा कि इस जो चुनाव हो रहा है, जिला पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी, आपने बताया कांग्रेस एक सीट पर निर्वाचित हो रही है, और आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हमने जिला चलिए जैन साहब, दीप कुमार जैन साहब के पास जाऊँ, रमेन जी से तकनीकी मतलब छेद हो गया है। दीप सर, जिस तरह से ये अवनेन्द्र यादव जी और डॉक्टर वर्मा बात कर रहे हैं, इस तरह से जिस तरह से आपस में राजनीतिक लड़ाई है, उठापटक का दौर है, इससे आने वाले समय पे जिस तरह से चुनाव होने हैं 2022 में होना है, इसमें क्या जनता दुर्भिभूत नहीं होगी? अगर समाजवादी पार्टी का दावा है कि हमारे सबसे ज़्यादा सदस्य चुने गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जनता सरकार के खिलाफ वोट किया, गांव की जनता ने सब वोट किया, लेकिन अध्यक्ष जो चुना जा रहा है, जैसे इनका कहना है कि धनवाल और बाहुबल के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, ये जो जनाधार है उसके विपरीत नहीं हो रहा सर? ऐसा है अनूप जी के, निश्चित ही इसमें जनता ही पिसेगी जी, और जनता को इसमें काफ़ी नुकसान होगा जी, क्योंकि भाजपा ने वैसे अपनी पूरी संगठन की शक्ति और माननीय योगी जी ने भी पूरा इसमें अपना सहयोग देते हुए जी, और पूर्ण रूप में तरीके से इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने काफ़ी अध्यक्ष को निकाला, और सापा ने जिस तरीके से अभी 11-12 लोगों को निकाल दिया है, उससे उनके कार्यकर्ताओं में बिल्कुल ही मायूसी थोड़ा माहौल रहेगा, और निश्चित इसमें दोनों तरफ से जनता को ही इसमें नुकसान होगा जी। अवनेन्द्र यादव जी, बहुत जल्दी से संक्षेप में बता दीजिए, समय का अभाव है मेरे पास सर। जो जहां चुनाव होने हैं चाहता 3 तारीख को सर, कितने जनपदों में आपके अध्यक्ष बन रहे हैं सर? मुझे लगता है कि इस व्यवस्था के तहत जिस तरह से योगी सरकार ने जिले के कलेक्टरों और कप्तानों को ठेका लेके नियुक्ति प्रदान की है कि तुम्हें जिला पंचायत अध्यक्ष अपने जिले में बना के देना है, हम जितने भी जीत जाएंगे वो हमारी बहादुरी का परिचायक है, ऐसी निकम्मी नाकारा और हिटलर शाही सरकार के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है सर, क्या आपको अपने 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 साफ सुथरा चुनाव हो पाए, आपको अपने निर्वाचित कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है क्या सर? इसीलिए तो हमने आभार जताया, लेकिन जो अफसरशाही पीछे पड़ी है लाठी लेके सपाहियों के, और जो सरकार योगी सरकार पीछे पड़ी है, तो उस लाठी को बचाते हुए, अपनी इज्जत बचाते हुए, हम समाजवादी पार्टी के लोग संविधान की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए जितनी भी सीटें जीतेंगे वो हमारी बहादुरी का परिचायक है, और आगे आने वाले समय में
ऐसा व्यवस्था करेंगे कि सरकारें मशीनरी का दुरुपयोग न कर पाए और साफ सुथरा चुनाव हो, इस दिशा में भी समाजवादी पार्टी। डॉक्टर ज्योति बनवा जी, जल्दी संक्षेप में जवाब दीजिए और बताइए कितनी सीटों पर आप जीत रहे हैं। देखिए, ये तो चुनाव आने के परिणाम आने के बाद ही निश्चित होगा कि कितनी सीटों पर हम चुनाव जीत रहे हैं। और रही बात भाई साहब जो भी कह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपने वर्ग का ही ध्यान रखा है, बहुत सिर्फ समाज का ध्यान रखा है, अपने समाज का, इसी का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है और इसका आरोप ये भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। तो इन लोग अपने संगठन को दुरुस्त करेंगे, दूसरे पर आरोप लगाने से ये बेहतर है। अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाना अच्छी बात नहीं है। आप अपनी कमियों को देखिए कि आप कहां गलत है। हमारी पार्टी कहीं पर भी गलत नहीं, हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया, योगी जी की सरकार है, नियम और कानून से सारे कार्य होंगे, कोई भी गलत कार्य इस सरकार में नहीं किया जाएगा और किसी की दबंगई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से पंचायत चुनाव की सरगर्मियां हैं और पंचायत चुनाव पर जिसके दौरान जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसको जनता देख रही है। जनता ने अपने हिसाब से, अपने मांगों के हिसाब से, अपनी भावनाओं के आधार पर, अपने पसंद के हिसाब से वोट दिया था और इच्छा जताई थी कि जिला पंचायत पे उनके पसंदीदा प्रत्याशी कुर्सी पर बैठे हैं जिससे उनका काम हो सके। लेकिन चुनाव में निश्चित तौर पर सत्ता और विपक्ष के जो आरोप हैं, इस पर जनता को ही निर्णय लेना है। जो हो रहा है उस पर जनता पूरी तरह से नज़र रखी हुई है। सरकार जो भी काम कर रही है वो उसके हिसाब से, वो अपने हिसाब से काम कर रही है और विपक्ष का जो दायित्व है वो भी अपना निर्वहन कर रहे हैं। आने वाले 3-4 तारीख को जब भी निर्वाचन होगा, परिणाम आएंगे, एक बार फिर देखा जाएगा कि इस सूबे में किस दल की ज़्यादा चली है। फिलहाल आज की चर्चा में आप सब चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। हम एक नए एजेंडे के साथ, सियासी एजेंडे के साथ कल नए पैनल के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।